वेलकम टू बैक रियल ज्ञान। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि OLX एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है तो आप उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करें। अगर आपके भी फ़ोन में OLX ऐप ओपन नहीं हो रही है और आप भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिना स्किप के स्टेप बाय स्टेप पूरा जरूर देखना। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपको छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने चैनल को देख सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इसके लिए अपने फ़ोन की सेटिंग में आना है प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, फिर एक ऑप्शन आएगा ऐप का, ऐप पर क्लिक करना है। ऐप पर क्लिक करेंगे, ऐसा एंटर पर जा देगा, जो भी ऐप रहेगी आ जाएगी। सिंपली सर्च बार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपको सर्च करके इस एप्लीकेशन को सर्च कर लेना है। तो चलिए मैं उस ऐप को सर्च कर लेता हूँ। OLX जैसे सर्च किया एप्लीकेशन आ चुकी है, इस ऐप पर क्लिक करना है। स्टोरेज का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करना है। कलर डाटा का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक करना है। क्या होगा, एप्लीकेशन का जितना भी डाटा रहेगा, जितने भी वायरस रहेंगे सब क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद में आपके फ़ोन में OLX ऐप ओपन होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर आपके भी फ़ोन में OLX ऐप ओपन नहीं हो रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम को कुछ इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही लगे बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट करना ताकि मैं अगला कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो सबसे पहले जो नोटिफिकेशन है वो आपके पास पहले पहुँच सके।